नमस्कार, मैं प्रभात कुमार, जीपीसी अजमेर से। आज आपको प्रथम वर्ष के अप्लाइड केमिस्ट्री के स्नेहक वाले अध्याय के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का युग मशीनी युग है और हम अपने छोटे बड़े सभी प्रकार के कार्य मशीनों के द्वारा ही पूर्ण करते हैं। ऐसे में जब मशीनें प्रयोग में ली जाती हैं तो मशीनें धातु की बनी होती है, साधारणतया धातु लोहा होती है, और जब मशीनें चलती हैं तो उनके अंदर दो धात्विक सतहें परस्पर एक दूसरे के टच में या संपर्क में रहते हुए गतिशील होती हैं। इस गति के कारण मशीनों में घर्षण उत्पन्न होता है और उस घर्षण के कारण से ताप उत्पन्न होता है और मशीनें गर्म होने लगती है। मशीनों के गर्म होने के साथ साथ वहाँ पर धातु में घिसाव, टूट फूट और विकृति भी उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था में यदि इस उत्पन्न होने वाले घर्षण को कम ना किया जाए तो मशीनें जल्दी ही खराब हो सकती हैं और कार्य करना बंद कर सकती हैं। ऐसी अवस्था में विभिन्न प्रकार की मशीनों में कुछ मशीनें हल्की होती हैं, कुछ मशीनें भारी होती हैं, तो विभिन्न प्रकार की मशीनों में इस घर्षण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए और मशीनों को लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ प्रयोग में लिए जाते हैं जिन्हें हम स्नेहक कहते हैं। तो स्नेहक की जो परिभाषा है हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि परस्पर संपर्क में रहते हुए विपरीत दिशाओं में गतिशील धातु सतहों के मध्य उत्पन्न होने वाले घर्षण को कम करने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं वे स्नेहक कहलाते हैं। स्नेहक घर्षण के कारण मशीनों में होने वाले घिसाव, टूट फूट, ताप तथा विकृति से होने वाले नुकसान को कम करते हैं और मशीन को लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखते हैं। इसलिए आज के युग में स्नेहकों का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि हम अपने अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा ही पूरे करते हैं। हम आगे ये जानेंगे कि कितने प्रकार के स्नेहक इस कार्य के लिए हम प्रयोग में लेते हैं। तो स्नेहकों का जो वर्गीकरण है वह भौतिक अवस्था के आधार पर किया जाता है। कुछ स्नेहक ठोस अवस्था में प्रयोग में लिए जाते हैं जबकि कुछ स्नेहक अर्ध ठोस अवस्था में प्रयोग में लिए जाते हैं। अधिकांशतया जब हम स्नेहकों की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में तेलों का जिक्र आता है जो कि द्रव स्नेहक के अंतर्गत आते हैं। ठोस और अर्ध ठोस स्नेहकों का प्रयोग वहीं पर किया जाता है जहाँ द्रव स्नेहक कार्य नहीं कर पाते, अर्थात कार्यकारी स्थितियाँ बहुत ही विपरीत होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम ठोस स्नेहकों के बारे में जानते हैं। ठोस स्नेहक अत्यधिक उच्च ताप और दाब की अवस्था में प्रयोग में लिए जाते हैं और उन मशीनों में भी काम में लिए जाते हैं जो कि अत्यंत उच्च गति पर चलती हैं। हाई स्पीड वाली मशीनों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। साधारणतया खनिज पदार्थ जैसे कि ग्रेफाइट, टैल्क, माइका, सोप स्टोन, मॉलिब्लिडिनम डाइसल्फाइड इत्यादि ठोस स्नेहकों के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का ही शुद्ध रूप होता है, अपर रूप होता है, और यह तेल और ग्रीस में मिलाकर भी काम में लिया जाता है और अकेले भी ठोस स्नेहक के रूप में काम में लिया जाता है। मॉलिब्लिडिनम डाइसल्फाइड MoS2 जिसका फॉर्मूला है यह भी एक बहुत अच्छा और उपयोगी ठोस स्नेहक पदार्थ है। यह उच्च ताप और दाब पर भी स्थायी रहता है और इसलिए जहाँ कार्यकारी परिस्थितियाँ काफ़ी ख़राब होती हैं वहाँ पर मॉलिब्लिडिनम डाइसल्फाइड का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त माइका एक अन्य ठोस स्नेहक है जिसका रासायनिक सूत्र K2O.Al2O3.3SiO2.2H2O होता है।
यह भी अकेले या अन्य पदार्थों के साथ में ठोस स्नेहक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है और यह एक प्राकृतिक खनिज पदार्थ होता है। अब हम जानेंगे अर्ध ठोस स्नेहकों के बारे में। अर्ध ठोस स्नेहक सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, जिन्हें हम ग्रीस भी कहते हैं, इनका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर कि लिक्विड लुब्रिकेंट्स काम नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी श्यानता बहुत अधिक होती है और धातु की सतह पर ये अच्छे से चिपके रहते हैं, इसलिए इनका प्रयोग हम उन स्थानों पर करते हैं जहाँ पर कि द्रव स्नेहक कार्य नहीं कर पाते। इनका निर्माण अलग अलग श्यानता के तेलों में विभिन्न प्रकार के साबुनों को मिश्रित करके किया जाता है। विभिन्न प्रकार के साबुनों के मिश्रित करने के आधार पर इनके नाम लाइम सोप ग्रीज, जैसे सोडा सोप ग्रीज या लिथियम सोप ग्रीज या एल्यूमिनियम सोप ग्रीज इत्यादि होते हैं। ग्रीजों में वांछित गुणधर्मों की अभिवृद्धि करने के लिए उनमें कुछ ठोस स्नेहक जैसे कि ग्रेफाइट, माइका, बेरियम सल्फेट या मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड का पाउडर भी पूरक या फिलर्स के रूप में मिलाया जाता है। चूँकि ठोस और अर्ध ठोस स्नेहकों का प्रयोग सीमित स्थानों पर ही होता है और अधिकांश स्थानों पर हम स्नेहक के रूप में तेलों का प्रयोग करते हैं, इसलिए द्रव स्नेहक की जो वैरायटी है वो सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा प्रचलित स्नेहक है। अपने आने वाले अगले वीडियो में हम द्रव स्नेहकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।